हाय गाइस, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग और स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की जो वीडियो होगी ना, ब्लॉग तो खैर क्या होगा, बट आज की जो वीडियो होगी ना बहुत सिंपल होगी। इसमें मैं सिर्फ आपसे बात ही करूँगी। और अभी मैं पापा के शाम के दर्शन कराती हूँ आपको, क्योंकि सुबह में आज मेरे को बहुत काम था और मेरी तबीयत भी दो दिन से ना ठीक नहीं है। कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा और फीवर, अंदर अंदर मुझे फीवर है। कल भी 100 था, पूरा 100 से थोड़ा ज़्यादा था। और वीकनेस है बॉडी में बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा। दो दिन से ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है बॉडी। कल तो पता ही क्या हो रहा था, कल तो मैं पूरा दिन ऐसे हो रहा था, मुझे ना इतनी वीकनेस लग रही थी कल के बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी मेरी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्यों हो रहा था, क्योंकि रिपोर्ट्स में इतना कुछ उल्टा सीधा नहीं आया। बट हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, बट वो मैं जानती हूँ कि वो ठीक है। बट चीज़ें अंदर क्या इतनी वीकनेस आ गई, किस चीज़ से आई, वो समझ नहीं आ रहा। सेम वही जैसे कल हुआ था ना मुझे, सेम यही चीज़ मुझे इस साल दिवाली पर हुई थी। 2020 की जो दिवाली थी उस पर हुई थी, बड़ी दिवाली के दिन सेम हुआ था मुझे। सुबह सुबह हो गया और मैं दिवाली के दिन 3 से 4 बार मैं पता नहीं अंदर से ना मैं रो रही थी। मतलब मैं रोई ऐसे मैं कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने साड़ी ली थी, मैंने बहुत तैयारी करके रखी थी कि मैं तैयार होंगी, ये वो, कुछ भी नहीं। मैंने कंघी तक नहीं की थी, ऐसे ही मैंने पूजा की और बस ऐसे ही सूट पहन लिया, कुछ नहीं किया। तो कल वही हालत हो रही थी मेरी। सो पता नहीं कैसे हो जाती है तबीयत इतनी ख़राब। तो आज सुबह का मैंने जो भी पूजा वगैरह की थी वो मैंने कोई कैप्चर नहीं किया है। सो मैं आपको शाम के दर्शन कराती हूँ पप्पा के, और मैं खाना बना रही हूँ पप्पा के लिए, काले चने की सब्ज़ी और पूरी। और क्योंकि मेरे अंदर ना इतनी एनर्जी नहीं है, प्रियंका घर में है नहीं और रौनित को मीठा बनाना आता नहीं है, सो मैं सोच रही हूँ कि आज ना पप्पा के लिए बाहर से मंगाती हूँ मीठा आज फिर से। सो चलिए मैं कर लेती हूँ और आपको दर्शन कराती हूँ पप्पा के। तो जी आरती ले लो शाम की। और ये रे पप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, पप्पा आशीर्वाद दे दो सबको। छोड़ दिया मैंने चने और अभी ये पक रहे हैं। इसमें जो चने बचे थे वो हैं, क्योंकि इसमें ना मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल के खाऊंगी, ये मेरा डिनर होगा आज का। और अभी ये सब बर्तन मुझे धोने हैं। रौनित जा रहा है बाहर मिठाई लेने और टेलर भैया को मेरे कपड़े देने। सो मैं अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। A few moments later, है मेरा डिनर जैसा कि मैंने आपको बताया था ना। तो इसमें मैंने खीरा, टमाटर और एक छोटी सी हरी मिर्ची डाली है और बहुत नाम मात्र को सॉल्ट डाला है। सो ये मैं खाऊंगी अभी और यही मेरा डिनर है आज का बस। सो गाइस, जो भी पूरे दिन मतलब जो छोटी छोटी क्लिप्स ली थी उसका एक छोटा सा वीडियो बनेगा, तो मैंने सोचा कि मैं उस छोटे से वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो अभी सारा काम हो गया, मेरा डिनर हो गया। और आपको एक बात बताऊं कि आज से ना मैं दूध भी पीना शुरू करूंगी, क्योंकि वीकनेस ना बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई है। बॉडी दिखती है कि मैं हेल्दी हूँ बट बॉडी में कुछ नहीं है, जान नहीं है। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं सोते समय ना एक गिलास दूध ज़रूर ही पीना है मुझे, क्योंकि बॉडी पेन भी होता है ना जैसे हड्डियों वगैरह में, तो वो कैल्शियम की कमी तो खैर बहुत है। सो मैं अभी सोते समय, अभी मतलब आधा घंटा पहले सोने से दूध पी लूँगी और फिर आधे घंटे बाद सो जाऊँगी। सो कल के लिए सोच के तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बस भगवान जी मेरे पप्पा मुझे ना ठीक रखें कि मैं ठीक से ना कर पाऊँ। और कपड़े भी धोए थे मैंने अपने बहुत सारे। मैं अपने कपड़े ना बाहर रस्सी पर, बाहर बालकनी की रस्सी पर नहीं सुखाती हूँ, मैं अपने कपड़े अपने रूम में ही सुखाती हूँ। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ट्रांसप्लांट के बाद ना थोड़ा सा ना चीज़ें हो गई है मेरे माइंड में कि मैं बाहर सुखाऊंगी तो धूल मिट्टी लग जाएगी, कोई हाथ लगा देगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई हैं। तो मैं ना अपने कपड़े अपने रूम में सुखाती हूँ सारे। ये पंखा चलता है, एसी चलता है ना, सूख जाते हैं रात रात में। सो मैंने धोए थे काफ़ी सारे कपड़े, मैंने यहीं डाले हुए हैं और अभी जब सोऊंगी ना तो थोड़ा फैला दूँगी और अच्छे से सूख जाएंगे। तो गाइस चलिए, वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा और मुझे अप्रिशिएट कीजिए। और पता नहीं क्या होगा इस YouTube चैनल का, बट हाँ
जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। सो चलिए, जो भी लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सो तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे कल, कुछ अच्छा करूँगी, कुछ बढ़िया करने की कोशिश करूँगी। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं भी रखती हूँ, हेल्थ का ध्यान रखिए प्लीज़, और दिल का तो खैर रखिए रखिए। तो चलिए।